नमस्कार। इन दिनों मैं मनुष्य न कहना ममता जयंत की यह किताब पढ़ रही हूं। तो इन दिनों मैं ममता जयंत की संग्रह मनुष्य न कहना की कविताओं से गुजर रही हूं। सभी कविताएं एक से पढ़कर एक है और बहुत ही जबरदस्त ममता जयंत जी की कविताएं, बहुत ही धारदार कविताएं। और यहां पेश करती हूं मैं उनकी एक कविता। कविता का शीर्षक है काश। कविता का शीर्षक है काश। ममता जयंत जी लिखती है कि पता नहीं मन के वो कौन से विरोधाभास हैं, पता नहीं मन के वो कौन से विरोधाभास हैं जो ले जाते हैं तुम्हें मुझसे दूर, बहुत दूर। पता नहीं मन के वो कौन से विरोधाभास हैं जो ले जाते हैं तुम्हें मुझसे दूर, बहुत दूर। और न जाने से तरल पदार्थ हैं, और न जाने तन के वे कौन से तरल पदार्थ हैं जो मेरे पास आने को उकसाते हैं। ममता जयंत जी की कविताएं, बहुत बेहतरीन कविता पढ़ रही हूं। पता नहीं मन के वो कौन से विरोधाभास हैं जो ले जाते हैं तुम्हें मुझसे दूर, बहुत दूर। और न जाने तन के वे कौन से तरल पदार्थ हैं जो मेरे पास आने को उकसाते हैं। कविता का शीर्षक है काश। पता नहीं मन के वो कौन से विरोधाभास हैं जो ले जाते हैं तुम्हें मुझसे दूर, बहुत दूर। और न जाने तन के वे कौन से तरल पदार्थ हैं जो मेरे पास आने को उकसाते हैं। इस पास से दूर यात्रा से गुजरकर, इस पास से दूर की यात्रा से गुजरकर चली आती हूं मैं खुद से मिलने। इस पास से दूर की यात्रा से गुजरकर चली आती हूं मैं खुद से मिलने, करके एक लंबा सफर तय। कह जाती हूं सिर्फ इतना, काश पहुंच पाते तुम मन के उस अंधेरे कोने तक जहां दबी पड़ी हैं मेरी अनंत इच्छाएं। काश पहुंच पाते तुम मन के उस अंधेरे कोने तक जहां दबी पड़ी हैं मेरी अनंत इच्छाएं। एक कविता और देखते हैं ममता जयंत जी की। अंतरध्वनि शीर्षक है। अंतरध्वनि। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पाना तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पाना तो बिल्कुल भी नहीं। खोने पाने से परे सहेज लेना चाहती हूँ। देखिएगा कभी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पाना तो बिल्कुल भी नहीं। खोने पाने से परे सहेज लेना चाहती हूँ। खोने पाने से परे सहेज लेना चाहती हूँ हृदय की उन कटोरों में जहां न पहुंच सके दुनिया की कोई आवाज। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पाना तो बिल्कुल भी नहीं। खोने पाने से परे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पाना तो बिल्कुल भी नहीं। खोने पाने से परे सहेज लेना चाहती हूँ। खोने पाने से परे सहेज लेना चाहती हूँ हृदय के उन कटोरों में। खोने पाने से परे सहेज लेना चाहती हूँ हृदय के उन कटोरों में जहां न पहुंच सके दुनिया की कोई आवाज। खोने पाने से परे सहेज लेना चाहती हूँ हृदय के उन कटोरों में जहां न पहुंच सके
दुनिया की कोई आवाज बजती रहे सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच एक अंतरध्वनि, बजती रहे सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच एक अंतरध्वनि। बहुत सी कविताएं हैं और बहुत सारी कविताएं मुझे पसंद भी आ रही हैं। मैं उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं आपको सुना रही हूं। एक कविता का शीर्षक है लखनऊ। नहीं लौटी अकेली, नहीं लौटी अकेली, लौटा था वो शहर भी। नहीं लौटी अकेली, लौटा था वो शहर भी, मेरे स्थानांतरण के बाद मेरे साथ। नहीं लौटी अकेली, लौटा था वो शहर भी, मेरे स्थानांतरण के बाद मेरे साथ। हुआ था जैसे उसका भी तबादला मेरे संग। कितनी मतलब हृदय को चीरती, हृदय को बेधती ये कविताएं, कितनी मार्मिक कविताएं ममता जयंत की। नहीं लौटी अकेली, लौटा था वो शहर भी। नहीं लौटी अकेली, लौटा था वो शहर भी, मेरे स्थानांतरण के बाद मेरे साथ। हुआ था जैसे उसका भी तबादला मेरे संग, हुआ था जैसे उसका भी तबादला मेरे संग। वह लौटा पान की खुशबू में, वह लौटा पान की खुशबू में, कुछ चिकनकारी में, कुछ महक में मलिहाबादी, और कुछ अपनी तहजीब अपने लहजे में। क्या बात है। नहीं लौटी अकेली, लौटा था वह शहर भी, मेरे स्थानांतरण के बाद मेरे साथ। हुआ था जैसे उसका भी तबादला मेरे संग। वह लौटा पान की खुशबू में, कुछ चिकनकारी में, कुछ महक में मलिहाबादी, और कुछ अपनी तहजीब अपने लहजे में। शहर लौटा पूरा पूरा रेल की उन यात्राओं में, शहर लौटा पूरा पूरा रेल की उन यात्राओं में, जिनमें करती रही सफर बरसों बरस। शहर लौटा पूरा पूरा रेल की यात्राओं में, जिसमें करती रही सफर बरसों बरस। वह लौटा रेलगाड़ियों की उन स्मृतियों में, वह लौटा रेलगाड़ियों की उन स्मृतियों में, जो पहुंचाती रही हफ्ता दर हफ्ता यहाँ से वहाँ। वह लौटा रेलगाड़ियों की उन स्मृतियों में, जो पहुंचाती रही हफ्ता दर हफ्ता यहाँ से वहाँ। देखती रही जाने के बाद भी खड़ी दूर तलक, देखती रही जाने के बाद भी खड़ी दूर तलक, जैसे कर रही हो अफसोस मेरे जाने के बाद। न शहर अकेला था न मैं, न शहर अकेला था न मैं, हम लौटे लेकर एक दूसरे की पहचान। वो भीड़ भरा मंजर, वो खट्टी मीठी यादें, और वो एहसास अपनेपन का जो मिला था शहर से अजनबी। न शहर अकेला था न मैं, हम लौटे लेकर एक दूसरे की पहचान। वो भीड़ भरा मंजर, वो खट्टी मीठी यादें, और वो एहसास अपनेपन का जो मिला था शहर से अजनबी। एक कविता पढ़ती हूँ, चमकी का कहर। कविता का शीर्षक है चमकी का कहर। फैली है कोई महामारी, फैली है कोई महामारी, या गिरी है बुखार बनकर कोई बिजली। फैली है कोई महामारी, या गिरी है बुखार बनकर कोई बिजली, या है प्रकोप समय का। चमकी का कहर कविता का शीर्षक है। फैली है कोई महामारी, या गिरी है बुखार बनकर कोई बिजली, या है प्रकोप समय का। कर रखे हैं हुकूमत ने सारे उपाय, कर रखे हैं हुकूमत ने सारे उपाय, मार्फत इसके कि संक्रमण भीतर तक न चला जाए। कर रखे हैं हुकूमत ने सारे उपाय, मार्फत इसके कि संक्रमण भीतर तक न चला आए। चप्पल जूते उतरवाने तक को तैनात है कर्मी, चप्पल जूते उतरवाने तक को तैनात है कर्मी। इस हिफाजत के बाद भी रुक नहीं रुक रही मौतें, इस हिफाजत के बाद भी नहीं रुक रही मौतें। समा गए काल के गाल में न जाने कितने बच्चे, इस हिफाजत के बाद भी
नहीं रुक रही मौतें, समा गए काल के गाल में न जाने कितने ही बच्चे। ये कौन सा तरीका है इलाज का कि हर रात मर रहे बच्चों की चीखों के बीच डॉक्टर्स की कम मीडिया की भीड़ ज्यादा है। जबरदस्त। ये कौन सा तरीका है इलाज का कि हर रात मर रहे बच्चों की चीखों के बीच डॉक्टर्स की कम मीडिया की भीड़ ज्यादा है। जिसके बेतरतीब सवालों से हो रही नाजुक फूलों की दवा, जिसके बेतरतीब सवालों से हो रही नाजुक फूलों की दवा, गोया बुखार बच्चों को नहीं व्यवस्था को चढ़ा है। इस कदर की मंत्री से संतरी तक सब खामोश हैं, बिसरा कर सब दायित्व धार लिया है मौन। मरती संवेदना मिटते मर्म के बाद भी बने हुए हैं मसीहा, उनकी चुप्पी बताती है कि अब नहीं लड़ेगा उनके लिए कोई लड़ाई। उनकी चुप्पी बताती है कि अब नहीं लड़ेगा उनके लिए कोई लड़ाई। जिनकी सुनी है गोद ना हो, जिनकी सुनी है गोद ना होगा अब उनके लिए कोई फतवा जारी। पता नहीं मौत बच्चों की हुई है या हुई है मृत्यु विकास की। अंतिम पंक्ति देखेंगे, पता नहीं मौत बच्चों की हुई है या हुई है मृत्यु विकास की। एक बेहतरीन कविता और शीर्षक है किताबें। दजयंत जी की कविताएं पढ़ रही हूं और गौर करेंगे, कविता का शीर्षक है किताबें और किताबें बनी रही किसी हमसफर सी साथ। किताबें बनी रही किसी हमसफर सी साथ, बंद रही तो रही खामोश। किताबें बनी रही किसी हमसफर सी साथ, बंद रही तो रही खामोश, खुल गई तो मचाया खूब शोर। किताबें बनी रही किसी हमसफर सी साथ, बंद रही तो रही खामोश, खुल गई तो मचाया खूब शोर। करती रही दुनिया जहां की बातें, करती रही दुनिया जहां की बातें, पूछती रही सवाल देती रही तर्क तरह तरह के, जिनमें शिकायत रही नसीहत थी। करती रही दुनिया जहां की बातें, पूछती रही सवाल देती रही तर्क तरह तरह के, जिनमें शिकायत नहीं नसीहत थी। जिनमें शिकायत नहीं नसीहत थी, नफरत नहीं उल्फत थी और इजहार अपनी बातों का। कभी दिखाए अतीत के चलचित्र, कभी दिखाए अतीत के चलचित्र, कभी आगाह किया आगम के अंदेशों से, देती रही उजाला करती रही आलोकित। क्या बात है, देती रही उजाला करती रही आलोकित। इस कदर की अंधेरे हटते कुहासे छटते चले गए, इस कदर की अंधेरे हटते कुहासे छटते चले गए। कल्पना और यथार्थ की कंक्रीट से बनी, कल्पना और यथार्थ की कंक्रीट से बनी, इन इबारतों ने ही मिटाई असली भूख। कल्पना और यथार्थ की कंक्रीट से बनी, इन इबारतों ने ही बनाई असली भूख। बनकर आत्मा की खुराक कागज के इन पन्नों में, हद की वफा थी निभाई अदब से दोस्ती। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही गहन गूढ़ कविताएं। कागज के इन पन्नों में हद की वफा थी निभाई अदब से दोस्ती, बावजूद इसके हम करते रहे इस्तेमाल इन्हें अपने तरीकों से। कागज के इन पन्नों में हद की वफा थी निभाई अदब से दोस्ती, बावजूद इसके हम करते रहे इस्तेमाल इन्हें अपने तरीकों से। कभी सोए तकिया बनाकर, किताबों के लिख रहे हैं तो कभी सोए तकिया बनाकर, कभी सोए तकिया बनाकर, कभी बैठे रहे लिए गोद में शिशु की तरह। कभी सोए तकिया बनाकर, कभी बैठे रहे लिए गोद में शिशु की तरह, और कभी पटक दिया यहां से वहां। कभी सोए तकिया बनाकर, कभी सोए तकिया बनाकर, कभी बैठे रहे लिए शिशु की तरह गोद में, गोद में शिशु की तरह, और कभी पटक दिया यहां से वहां। लेते देते रहे एक दूसरे को बेपरवाही से, लेते देते रहे एक दूसरे को बेपरवाही से, मगर इस लेन देन में भी थी एक आश्वस्ती, मगर इस लेन देन में भी थी एक आश्वस्ती, एक फिक्र थी पढ़े जाने की। मगर इस लेन देन में भी थी एक आश्वस्ती, एक फिक्र थी पढ़े जाने की, एक एहसास था रईसी का, किताबों ने ही बोए विचार के बीज, किताबों ने ही बोए विचार के बीज। ये कविता किताबें
ये पढ़ी मैंने अभी, ममता जयंत जी की कविताएं, और बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं हैं उनकी, बहुत शानदार लिखती हैं। और ये उनका संग्रह मनुष्य न कहना। मनुष्य न कहना से मैं कुछ कविताएं पढ़ रही हूं, जिसमें से एक और अंतिम कविता पढ़ती हूं। कविता का शीर्षक है दिल मैं और तुम। एक दिल है एक मैं एक तुम, एक दिल है एक मैं और एक तुम, दिल जिसने पाल रखी है ढेरों उम्मीदें। एक दिल है एक मैं और एक तुम, दिल जिसने पाल रखी है ढेरों उम्मीदें, कभी खुद से खफा कभी मुझसे और कभी तुमसे। एक दिल है एक मैं और एक तुम, दिल जिसने पाल रखी है ढेरों उम्मीदें, कभी खुद से कभा खफा कभी मुझसे और कभी तुमसे, उसे नहीं पता उम्मीदें गम की वजह हुआ करती हैं। उसे नहीं पता उम्मीदें गम की वजह हुआ करती हैं, दुनिया दिल की नहीं सुनती, दुनिया दिल की नहीं सुनती, गम जिन्हें पालने की जरूरत नहीं पड़ती खुद ब खुद पल जाते हैं। गम जिन्हें पालने की जरूरत नहीं पड़ती खुद ब खुद पल जाते हैं, न दिल दुनिया की दलीलें मानता न दुनिया दिल के अरमान जानती, न दिल दुनिया की दलीलें मानता न दुनिया दिल के अरमान जानती। बेशक बेशक जुदा है दोनों एक दूसरे से, बेशक जुदा है दोनों एक दूसरे से, फिर भी दलीलें भारी हैं दिल पर, जब कोमलता कमजोरी बन जाए फिर दिल बेचारा क्या करे। न दिल दुनिया की दलीलें मानता न दुनिया दिल के अरमान जानती, बेशक जुदा है दोनों एक दूसरे से, फिर भी दलीलें भारी हैं दिल पर, जब कोमलता कमजोरी बन जाए फिर दिल बेचारा क्या करे। ना मालूम कौन सा तार जुड़ा दिल की आंखों से कि दिल रोता है आंखें गवाही देती हैं, न मैं कह पाती न तुम सुन पाते, न मैं कह पाती न तुम सुन पाते, दिल की तकलीफ क्या है किसी को नहीं पता, दिल की तकलीफ क्या है किसी को नहीं पता। आज के लिए बस इतना ही। मनुष्य न कहना ममता जयंत जी की बेहतरीन कविताएं, जिनका पाठ मैंने आज किया। फिर मैं चाहूंगी कि मैं कुछ कविताएं सुनाऊं आप सबको, आप सब मेरे साथ जो भी जुड़े थे उनके लिए।